डियर फ्रेंड्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स में जो यूनिट नंबर 8 है उसमें डीसी सर्किट दिष्ट धारा परिपथ में कुछ टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। ये टॉपिक हैं ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता की या प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। इन टॉपिक्स की बात हम इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसी चालक की। चालक जनरली मेटल्स हैं, धातु हैं। इन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसी पर्टिकुलर एटम से या किसी एटम विशेष से, परमाणु विशेष से बहुत ही कम बल से बंधे होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बाह्यतम कक्षा में होते हैं एटम के, वो धातु सतह के अंदर अंदर गति कर सकते हैं, ठीक है। और उस समय इनकी गति जो है वो रैंडम मोशन होती है, यादृच्छिक गति होती है। रैंडम मोशन उनका होता है इन फ्री इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब इस चालक पर हम विभवांतर आरोपित कर दें, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर हम लगा दें चालक के एंड्स पर, तो हम ये देखते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब रैंडम मोशन ना करके ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब मूव करते हैं। जैसे कि माना कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां जो इलेक्ट्रॉन होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब पॉजिटिव एंड की ओर मूव करेंगे, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे अब इनके मोशन रैंडम ना होकर के अब इनकी मोशन किसी एक एंड की ओर होगी। अर्थात इस चालक में जब अपन विभव आरोपित कर दिया है तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो मोशन है वो रैंडम नहीं है, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, अर्थात आवेश जो है यहां पर गति कर रहा है। इसके कारण विद्युत धारा जो है वो बनेगी। और हम ये कहेंगे कि चालक पर जब हमने विभवांतर आरोपित किया तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा जैसा कि अपन छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो इस प्रकार से चालक में विद्युत धारा यहां पर बहेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है जब भी गति करेंगे तो जो चालक के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, जो बंद इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन के साथ उनका प्रतिकर्षण बल होगा। इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है जब गति करेंगे तो जो एटम्स हैं उनके साथ, चालक में जो एटम्स होंगे उनके साथ कोलाइड होंगे, तो इस प्रकार से इनकी गति का ये विरोध करेंगे, ठीक। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जो गति यहां पर हो रही है उसका चालक अपने आप विरोध करेगा और इसके कारण हम ये कहेंगे कि विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ठीक है, जिसे हम विद्युत प्रतिरोध का नाम देते हैं। अर्थात चालक में आवेश प्रवाह जो होता है उसके उसको चालक में जो है वो विरोध किया जाता है, जिसे हम मैथमेटिकल टर्म विद्युत प्रतिरोध से शो करते हैं। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि किसी भी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर चालक में धारा प्रवाहित होती है और चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उनका मोशन होता है, जिसके कारण जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है और चालक में जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो अपने एटम्स हैं वो इन गति का विरोध करते हैं और उसे हम विद्युत प्रतिरोध के नाम से पहचानते हैं। इस विरोध को एक मैथमेटिकल टर्म दी है हमने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं ओम का नियम। ये एक चालक पदार्थ है जिसके सिरों पर हमने विभवांतर आरोपित किया है, माना कि बी विभवांतर है इन सिरों के प्रति, ठीक है। इसमें आई धारा बह रही है, ठीक है। तो ओम का नियम यह कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रहे, फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो चालक के सिरों पर विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये ओम के नियम का कथन है। स्टेटमेंट में लिख देता हूं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं फिजिकल कंडीशंस
जैसे ताप आदि। स्थिर रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभ्रांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम का कथन है। मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं उसको कि इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज देन पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। देन इसको आप आगे लिख सकते हैं V इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन में कन्वर्ट कर दिया। हमने एक कांस्टेंट लगा दिया है, इस कांस्टेंट को हमने R नाम दिया है। R समानुपातिक स्थिरांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जो नाम दिया गया है वो है चालक तार का प्रतिरोध। R चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये नाम हमने इनको देना है। हाँ, अलग अलग चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध जो है वो अलग अलग होगा। ये कॉन्स्टेंट जो है वो डिफरेंट वायर्स डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस जो डिफरेंट वायर्स के लिए डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब आर की यूनिट की बात कर लें। आर का मात्र क्या रहेगा, आर बराबर वी अपॉन आई। वी को वोल्ट में नापा गया है, धारा को करंट को एम्पियर में नापा गया है, तो ये हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, और हम इसको बोल सकते हैं इसको उसका जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक वो होगा ओम। ठीक है, उसका सिंबल ये रहेगा। ठीक है, मिली ओम, माइक्रो ओम, किलो ओम, मेगा ओम, इस प्रकार से ये कई हम जो है अलग अलग मात्रक यूज करेंगे। 1 मिली ओम 10 के पावर माइनस 3 ओम, 1 माइक्रो ओम 10 के पावर माइनस 6 ओम, 1 माइक्रो ओम 10 के पावर माइनस 6 ओम, 1 किलो ओम 10 के पावर प्लस 3 ओम, इसी प्रकार से 1 मेगा ओम 10 के पावर प्लस 6 ओम। इस प्रकार से हम मात्रक की बात यहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं चालक के विवी सूत्र की, प्रतिरोध के विवी सूत्र की, प्रतिरोध का विवी सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला। यहां पर प्रतिरोध विवी सूत्र जो है प्रतिरोध का हम निकाल रहे हैं, विवी सूत्र प्रतिरोध का निकाल रहे हैं। ये किस प्रकार से निकालेंगे, ये देखिए आप, आर बराबर वी अपॉन आई, वी का होगा W by Q, ये I। ठीक है, Q को अपन लिख सकते हैं, I इक्वल टू होता है Q by T, तो Q को लिख सकते हैं I into T, तो जाएगा W upon I, तो Q की जगह लिख देंगे I into T, W का M1 L2 T minus 2, ये A1, फिर ये A1 और ये T1, तो इस प्रकार से आ जाएगा M1 L2 T minus 3 A minus 2। इस प्रकार से ये विमी सूत्र जो है प्रतिरोध का रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की परिभाषा की, प्रतिरोध की परिभाषा की। तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक के द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को व्यक्त करता है, उत्पन्न अवरोध को व्यक्त करता है। इट ऑफर्स आई से द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट टू द कंडक्टर इज कॉल्ड आई से
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आप इसको इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, यदि आई बराबर एक एम्पियर हो तो आर बराबर हो जाएगा बी। यहां से भी अपन चालक के प्रतिरोध को परिभाषित कर सकते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के सिरों पर विभवांतर के तुल्य होगा जबकि चालक में प्रवाहित धारा एक एम्पियर हो। इस प्रकार से हमने प्रतिरोध की यहां पर बात की है। अब हम बात कर सकते हैं प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, इससे देखिए अपन किसी चालक का प्रतिरोध तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक के पदार्थ, अलग अलग पदार्थों के लिए चालक का प्रतिरोध अलग अलग होगा। यदि मैं दो एग्जांपल ले लूं, कॉपर और एल्यूमिनियम, बाकी सब चीजें सेम हो तो क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम दोनों पदार्थ अलग अलग है, समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का कॉपर का तार और एल्यूमिनियम का दोनों के प्रतिरोध अलग अलग होंगे। ठीक है, दूसरा, लंबाई पर चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात जितना तार लंबा होगा उतना ही उसका प्रतिरोध अधिक होगा। इसी प्रकार से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर क्रॉसेक्शनल एरिया पर तो वो कैसी डिपेंडेंस है, अर्थात चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अर्थात मोटा तार है तो प्रतिरोध कम होगा, पतला तार है तो प्रतिरोध अधिक होगा। दोनों इनको क्लब कर सकते हैं, आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, देन आ जाएगा आर इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ ये रो जो है यह समानुपातिक स्थिरांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसा मैंने कहा था कि अगर समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कॉपर और एल्यूमिनियम का तार हो तो ये दोनों तो सेम हो गए, लेकिन ये अलग हो जाने से प्रतिरोध अलग अलग होगा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता जो है वो चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करेगी। अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता का मान अलग अलग होगा। यहां से प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी को अपन डिफाइन भी कर सकते हैं। यहां से डिफाइन करने के लिए मैं कुछ प्रकार से लिख दूं, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। यदि एल बराबर 1 मीटर हो व ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो रो इक्वल टू जाएगा आर। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं 1 मीटर लंबा तार व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाएगी। परिभाषा में इधर लिख देता हूं, एक मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी कहलाती है। इस प्रकार से मैंने रेजिस्टिविटी को यहां पर डिफाइन किया है और ये भी बताया है कि प्रतिरोधकता अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगी। अब प्रतिरोधकता की हम जिन बात की है यहां पर, तो मात्रक की भी बात कर लें। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता के लिए विमी सूत्र की बात कर लें अपन, तो विमी सूत्र भी दे सकते हैं। आर का विमी सूत्र पर निकाला था M1 L2 T-3 A-2। ठीक है, एरिया
एल टू लंबाई एल वन, ठीक है, तो यहां दिया जाएगा एम वन एल टू और वन ये जाएगा एल थ्री, ठीक है, टी माइनस थ्री ए माइनस टू। इस प्रकार से ये हमने ऐसा ही मात्रक निकाल ली, ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र दोनों निकाल लिए। अब अलग अलग पदार्थों के लिए जैसे मैंने कहा प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं जो चालक हैं उनके लिए प्रतिरोधकता कम होगी, ठीक है, जो कुचालक हैं उनके लिए प्रतिरोधकता बहुत ही अधिक होगी, ठीक है। चालक पदार्थों में हम सामान्य मेटल्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, कुचालक पदार्थों में अभ्रक है, डायमंड है, हीरा आदि, ठीक है, कांच, इस प्रकार से ये कुचालक पदार्थ हैं, इनके लिए रो का मान अर्थात प्रतिरोधकता बहुत अधिक होगी। चालक पदार्थ जैसे धातु में है मेटल, उनके लिए प्रतिरोधकता बहुत कम होगी। इसी प्रकार से अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालक पदार्थ अर्थात सेमीकंडक्टर, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि, इनके लिए प्रतिरोधकता मॉडरेट होगी, मध्यम, अर्थात अर्धचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता कुचालक पदार्थों से तो कम होगी और चालक पदार्थों से अधिक होगी। तो इस प्रकार से प्रतिरोधकता की बात हमने यहां पर की। अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं चालकता की, तो चालकता जो है वो क्या होगी, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। चालकता कंडक्टिविटी को मैं सिग्मा से शो कर रहा हूं, तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर मात्रक की बात कर सकते हैं, तो वन अपॉन ओम इंटू मीटर, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को बोलते हैं महो, तो ये देखा महो मीटर इनवर्स, क्योंकि ऐसा ही मात्रक होगा चालकता का, महो मीटर इनवर्स। तो ये तो बात की हमने प्रतिरोधकता और चालकता की। चालकता का प्रतिरोध जो है वो ताप पर निर्भर करता है, जैसा कि स्टार्टिंग में ओम के नियम में हमने बात की थी, चालक तार के प्रतिरोध की, या चालक के प्रतिरोध की कह दीजिए, चालक के प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। इसके लिए कई साइंटिस्ट ने इसको प्रयोग किए और फिर एम्पिरिकल रिलेशन यहां पर दिया है, और वो एम्पिरिकल रिलेशन ये है, RT इक्वल टू आर जीरो इंटू वन प्लस एल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये एम्पिरिकल रिलेशन अनुभविक नियम जो है वो दिया गया है, सूत्र दिया गया है, चालक तार के पदार्थ की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक है। आर टी 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध है, आर जीरो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालकता का प्रतिरोध है, एल्फा बीटा यहां पर कॉन्स्टेंट है, बीटा का मान बहुत ही कम होता है, तो ऐसी स्थिति में हम इस रिलेशन को इस प्रकार से भी काम में ले सकते हैं, आर टी इक्वल टू आर जीरो इंटू वन प्लस एल्फा टी, ठीक है। जो मेटल्स हैं धातु हैं उनके लिए एल्फा पॉजिटिव होती है, एल्फा पॉजिटिव होगी धनात्मक होगी तो आरटी का मान आर जीरो से अधिक होगा, अर्थात ताप बढ़ाए जाने पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये तो हो जाएगा मेटल्स के लिए। जो हमारी नॉन मेटल्स हैं या जो ऐसे सेमी कंडक्टर्स हैं, नॉन मेटल्स में कार्बन ले सकते हैं अपन, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स में जर्मेनियम सिलिकॉन ले सकते हैं, तो इनके लिए अल्फा नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, अल्फा ऋणात्मक होने से आरटी का मान क्या हो जाएगा, आर जीरो से कम हो जाएगा, अर्थात ताप बढ़ाने पर नॉन मेटल्स की जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से अपन नॉन मेटल से सेमीकंडक्टर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात किया मेटल्स की, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। जो मरकरी है उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं,
पारे का जो टेम्परेचर जब हम कितना 4 केल्विन के आसपास ले आते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है गिर के, ठीक है। इसका मतलब ऐसा पदार्थ जो है वो अब अतिचालक सुपर कंडक्टर की तरह कार्य कर रहा है, सुपर कंडक्टर की तरह कार्य कर रहा है। सुपर कंडक्टर या अतिचालक पदार्थ वो होंगे जिनका निम्न ताप पर प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाता है, जैसे कि ये टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनके लिए लगभग 90 केल्विन तक पहुंचते पहुंचते रेजिस्टेंस जो है उनका जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो है वो अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं जिनका कम ताप पर प्रतिरोध शून्य हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये अतिचालक पदार्थ हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि हम लोग जानते हैं चालक में जब धारा बहती है तो ऊर्जा की हानि होती है क्योंकि उसमें प्रतिरोध है। लेकिन जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो अगर मैं अतिचालक पदार्थ काम में लूं और उसमें धारा प्रवाहित करूंगे तो उसमें स्थिति में क्या होगा, ऊर्जा की हानि नगण्य होगी, एनर्जी लॉसेज जो है वो नेग्लिजिबल होंगे। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए रहेगा सुपर कंडक्टर का। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता की हमने यहाँ पर बात की है। एल्फा जो है इसको हम प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी, ठीक। और यदि टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, आर जीरो बराबर 1 ओम हो, ठीक है, तो अल्फा जो है हमारा वह आर टी माइनस आर जीरो के बराबर होगा। हम ये कह सकते हैं कि एक चालक तार है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम है, इसका ताप बढ़ा करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो जो प्रतिरोध में वृद्धि होगी वही उस चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होगा। मात्रक देख सकते हैं, अल्फा का मात्रक, इसका मात्रक ओम, इसका भी मात्रक ओम, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति डिग्री केल्विन। तो इस प्रकार से हमने अल्फा के बारे में बात की है, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं कि जो हमारे जो परिपथ जब हम बनाते हैं, जो संयोजन तार है हमारे, जो संयोजक तार हमारे होते हैं वो कॉपर के होते हैं और मोटे होते हैं, ठीक है। तो कॉपर के और मोटे तार क्यों काम में लिए जाते हैं, मोटे तार हमने काम में लिया है तो उनका प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोधकता कॉपर मेटल है तो और कम है, इसलिए कॉपर के मोटे तार काम में लेने पर इन तारों का संयोजक तारों का प्रतिरोध कम हो जाएगा। परिपथ में जब जोड़ने के लिए संयोजक तारों को काम में लेंगे तो इनका प्रतिरोध नगण्य होने से हमें इस इनको संयोजक तार को प्रयोग करने से परिपथ के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संयोजक तार के रूप में हमें ऐसे पदार्थ काम में लेने चाहिए जिनकी रेजिस्टिविटी अर्थात प्रतिरोधकता कम हो और जो मोटे हो। इसी प्रकार से हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मानक प्रतिरोध। मानक प्रतिरोध के लिए हम ऐसे पदार्थ काम में लेंगे जिनके लिए रेजिस्टिविटी तो लार्ज हो और अल्फा बहुत ही कम हो। तो जो हमारी मिश्र धातुएं जैसे कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीन है, इनके लिए अल्फा बहुत ही कम होता है। अल्फा बहुत ही कम होने से क्या होगा, ताप पर प्रतिरोध जो है वो निर्भर नहीं करेगा, अर्थात अलग अलग ताप पर भी उनका प्रतिरोध एक जैसा रहेगा, तो मानक प्रतिरोध के रूप में हम उस पदार्थ को काम में ले सकते हैं। रो लार्ज होने से क्या होगा, हमें एक निश्चित ओम का प्रतिरोध बनाना है, माना कि दो ओम प्रतिरोध बनाना है, ठीक है। तो क्योंकि रो लार्ज है तो लंबाई हमें तार की कम लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से मानक प्रतिरोध बनाने के लिए या प्रतिरोध बॉक्स में जो कुंडलियां बनाते हैं उनके लिए ऐसी मिश्र धातु काम में लेंगे जिनके लिए अल्फा बहुत ही कम है और रेजिस्टिविटी लार्ज है, तो वो है कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन है, ठीक है, नाइक्रोम है, इस प्रकार की मिश्र धातु अर्थात जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स हम काम में लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध की ताप निर्भरता से संबंधित टॉपिक का अध्ययन किया। थैंक यू।